नई टीम इंडिया आई, ना रोहित, ना कोहली, ना हार्दिक, क्या कप्तान होंगे स्काई। टीम इंडिया इस समय वेस्ट इंडीज दौरे पर है, जहां वो क्वींस पार्क ओवल में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, जिसके बाद टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर जाने वाली है। खबर ये आई थी कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को भारत का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को भी आयरलैंड दौरे पर आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव या फिर किसी दूसरे भारतीय क्रिकेटर को कप्तान बनाया जा सकता है। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या को आयरलैंड दौरे पर आराम देने के पीछे की वजह वर्कलोड मैनेजमेंट बताया जा रहा है। पांड्या का वर्कलोड मैनेजमेंट टीम इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का अहम हिस्सा है। इस मसले को लेकर बीसीसीआई के एक सूत्र का कहना है कि अभी भी कुछ फिक नहीं हुआ है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कैसा महसूस करते हैं, उसे देखते हुए अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल टाइम्स नाउ ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा, अभी कुछ भी तय नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वेस्ट इंडीज में वनडे और T20 सीरीज खेलने के बाद हार्दिक पांड्या का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि इसमें यात्रा शामिल है। फ्लोरिडा से डबलिन के उड़ान भरने से पहले केवल 3 दिनों का अंतराल है। वर्ल्ड कप इस समय हमारी प्राथमिकता में है, इसलिए उसे महत्व देने के कारण हमें खिलाड़ियों के वर्कलोड पर ध्यान रखना होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के उपकप्तान होंगे। बताते चले, वेस्ट इंडीज दौरे पर पहुंची टीम इंडिया के टेस्ट सीरीज का समापन 24 जुलाई को हो रहा है। 27 जुलाई से वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके अंत में 3 से 13 अगस्त के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वनडे में वो भारतीय टीम के उपकप्तान हैं और T20 में उनको कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे आयरलैंड दौरे पर बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपको क्या लगता है, क्या स्काई को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए या फिर किसी और को? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।